गुड इवनिंग एवरीवन। और आज का जो टॉपिक है वो है इंडक्शन मोटर और यूनिट फोर्थ जो है टॉपिक सेकंड पे हम बात कर रहे हैं, जिसमें दो इम्पॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे आप देख सकते हैं दो टॉपिक्स, जैसे कोगिंग एंड क्रॉलिंग और डबल केज एंड डीप बार रोटर इंडक्शन मोटर। ये दोनों ही टॉपिक आरजीबीवी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और ये दोनों में से एक न एक आपको पेपर में ज़रूर मिलेगा। तो इस दोनों टॉपिकों को बहुत अच्छे से करें। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हम एक ही टॉपिक अभी कवर किए हैं यूनिट फोर में, जो कल पढ़ा था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि स्टार्टिंग मेथड्स हमने पढ़ी थी ताकि स्टार्टिंग करेंट को हम कैसे कम कर सकें। तो आज का जो टॉपिक है वो है डबल केज एंड डीप बार रोटर इंडक्शन मोटर। नाम ही से आपको समझ में आ रहा है डबल केज एंड डीप बार रोटर इंडक्शन मोटर। देखिए मैं आपको बता दूं, बार बार मैं बता रहा हूं कि इंडक्शन मोटर में दो टाइप के रोटर होते हैं, एक होता है आपका केज टाइप और दूसरा होता है स्लिप रिंग। ये मेथड जो आज आप देख रहे हो पहले मैं डबल केज और डीप बार रोटर पे बात करूंगा, फिर आपको कोगिंग एंड क्रॉलिंग बताऊंगा क्या होता है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, सारी दिक्कतें जो हैं ज़्यादातर हमें किस में मिलती हैं, केज टाइप में ज़्यादा मिलती हैं। क्यों? क्योंकि केज टाइप में आप कोई भी एक्स्ट्रा एडिशंस नहीं कर सकते। एक बार उसको आपने डिज़ाइन कर दिया तो वो बन जाएगा, उसके बाद आप उसमें कोई चेंजेस नहीं ला सकते। तो ये जो आप देख रहे हैं डबल केज एंड डीप बार इंडक्शन मोटर, इसमें ये किसके लिए बनाई जा रही है, नाम ही से क्लियर हो रहा है ये किसके लिए है, या एक नोट करके आप लिख लीजिए। ये जो मेथड है ये किसके लिए भाई, ये भी आपके केज टाइप के लिए। किसके लिए है ये? केज के लिए। अभी मैं आपको समझाऊंगा। अब इस टॉपिक पे अब हम अंदर जाते हैं कि क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्या हमारा इसका इम्पोर्टेंस है, क्यों हम इसको पढ़ें। सबसे पहले तो नीड, कि हमारे मशीन में इसका क्या इम्पोर्टेंट है। नीड फॉर द डीप बार एंड डबल मोटर। सबसे पहले क्या होता है कि जहाँ भी लो स्टार्टिंग टॉर्क है, क्योंकि आप जानते हैं, मैं अभी भी बता दूँ, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है जो रोटर है उसमें तो आप क्या कर सकते हैं, इजीली कोई भी रेजिस्टेंस ऐड कर दीजिए। जैसे ही आप रेजिस्टेंस उसमें ऐड कर दोगे तो ऑटोमेटिकली उसमें क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग टॉर्क को आप मेंटेन कर सकते हो। मैंने पिछली भी क्लास में बताया था कि इंडक्शन मोटर के दो रोटर होते हैं, एक होता है केज टाइप और दूसरा होता है आपका स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जो होता है उसमें तो आप बहुत आसानी से कुछ ना कुछ ऐड कर सकते हो और चेंजेस ला सकते हो, मगर सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होती है केज टाइप के रोटरों में। तो यहाँ भी जो डबल केज और डीप इंडक्शन मोटर है ये हम केज टाइप के बारे में बात कर रहे हैं, क्लियर। तो इसमें लिखा है लो स्टार्टिंग टॉर्क, शुरू में अगर स्टार्टिंग टॉर्क बहुत कम है, लो स्टार्टिंग टॉर्क बिकॉज लो रोटर रेजिस्टेंस, तो ये हम कैसे बढ़ा सकते हैं। सीधी सी बात आज हमें ये समझ में आ गया कि इस टॉपिक को आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका मेन एम है कि हम कैसे टॉर्क को बढ़ा सकते हैं और कैसे अपने रोटर का रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। ये आप नोट कर लीजिए बात को। तो नीड क्यों जरूरत पड़ी केज, देखिए एक बात को समझिए। मान लीजिए आपने कोई केज रोटर बनाया और उस केज रोटर का स्टार्टिंग टॉर्क कम है, स्टार्टिंग रेजिस्टेंस कम है, तो आप क्या करोगे, उसे रीडिज़ाइन करोगे। क्योंकि मैं आपको एक बात नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में कि केज रोटर को एक बार डिज़ाइन करने के बाद कोई चेंजेस हम नहीं कर सकते। तो डिज़ाइन करने से पहले तो उसमें कोई चेंजेस कर सकते हैं ना, एक बार डिज़ाइन हो गया फिर तो हम कोई चेंजेस कर नहीं सकते। तो केज जो है रोटर है उसको पहले से डिज़ाइन जो है उसको ऐसा डिज़ाइन करें कि उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है। तो इसलिए ये आज मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ कि कैसे हम केज रोटर के रोटर का रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। तो आज का एम लिख लीजिए, ये भूल जाइए टॉपिक्स का नाम, तो आपको क्लियर रहेगा कि डबल केज एंड डीप इंडक्शन मोटर। आप ये नोट करिए कि हम कैसे अपने केज रोटर का रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें अपना एम डिसाइड जरूर रखना है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसके बाद उसके बारे में हम बताएंगे क्यों ऐसा हम कर रहे हैं, है ना। चलिए आगे आइए, नीड। अब जैसे देखो मैंने अब भी बताया था वाउंड रोटर में कोई दिक्कत नहीं है, हमें अगर रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मतलब एक्स्ट्रा वायर जोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाएगा, ठीक है। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर केज रोटर, मतलब केज रोटर में ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो ये किसके लिए है, केज रोटर। तो केज रोटर में हम क्या करें, जब रेजिस्टेंस नहीं ऐड कर सकते तो क्या करें, उसको उसके रोटर को रीडिज़ाइन करें, मतलब ऐसा डिज़ाइन करें कि उसमें रेजिस्टेंस बढ़ जाए, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। सो टाइप्स ऑफ रोटर,
दो प्रकार के रोटर होते हैं, जैसे डीप बार रोटर एंड डबल केज रोटर। ये दोनों मेथड्स हैं, या तो आप डबल केज रोटर अपना लो या डीप बार रोटर अपना लो। तो इनमें से दोनों में ही क्या होगा बेटा, इसमें दोनों में रेजिस्टेंस बढ़ाने की प्रोसेसेस हैं। ये मैं लिख देता हूँ, जो रेजिस्टेंस है वो हमें बढ़ाना है, और रेजिस्टेंस बढ़ाने से क्या होगा, टॉर्क बढ़ेगा, मगर कौन सा टॉर्क, स्टार्टिंग, ये आपको नोट रखना है। अब हम ये कैसे करेंगे ज़रा देखें, देखिए ये देख सकते हो, ये डायग्राम आपको सबसे पहले कॉपी में बनाना है जी। आप देख सकते हो ये जो है एलिमेंट्स बनाए हैं मैंने, रोटर बार, रोटर बार मतलब छड़, छड़ में हमने क्या किए हैं, कुछ चेंजेस लाए हैं, एक एलिमेंट ए है एक एलिमेंट सी है। आप देख सकते हो ये मैग्नेटिक लाइंस हैं जो आप आजू बाजू देख रहे हैं, ये मैग्नेटिक लाइंस हैं, यहाँ ये आप देख सकते हैं मैग्नेटिक लाइंस। तो ये नीचे वाले जो कंपोनेंट है सी, इसमें मैग्नेटिक ऐसा डिज़ाइन करेंगे कि इधर मैग्नेटिक लाइंस क्या होंगी, ज़्यादा, और इधर मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगी, कम। तो इससे क्या होगा, इससे बेटा जो नीचे अगर मैग्नेटिक लाइन ज़्यादा हैं तो यानी यहाँ पे क्या होगा, इस कंपोनेंट एलिमेंट सी में क्या होगा, इंडक्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ये एक बार है जिसको ऐसा डिज़ाइन करना है कि एलिमेंट सी में ये देखिए फ्लक्सेस ज़्यादा लिंक हो रहे हैं, तो एल ज़्यादा होगा, और यही यहाँ पे ऊपर जाएं तो क्या होगा, फ्लक्स क्या है, कम है। तो इधर जो ए है, ए का एल क्या होगा, कम होगा। अब एल अगर यहाँ कम है, ऑलरेडी आप देख सकते हो यहाँ करेंट कम है, यहाँ करेंट ज़्यादा है। ये अलग अलग करेंट होने से क्या फ़ायदा, जब अनइक्वल करेंट होगा तो अनइक्वल करेंट के कारण रेजिस्टेंस बढ़ेगा। फिर से मैं बता देता हूँ, लिख लीजिए इस पॉइंट को, ड्यू टू द अनइक्वल करेंट मैक्सिमम द रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा, स्टार्टिंग टॉर्क ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा। तो करना क्या है इसमें, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि केज रोटर एलिमेंट ए, एलिमेंट ए क्या होगा बेटा, एलिमेंट ए कहाँ है, एलिमेंट ए ये है एलिमेंट ए। क्या किया है इसमें अपन ने, एलिमेंट ए में मिनिमम लीकेज फ्लक्स, क्या है, मिनिमम लीकेज फ्लक्स, और लीकेज जब मिनिमम होगा तो इंडक्टेंस भी क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। सेकंड, एलिमेंट सी, एलिमेंट सी कहाँ है भाई, ये है एलिमेंट सी, एलिमेंट सी में हमने क्या किया है, लिंक्स मैक्सिमम फ्लक्स, इसमें क्या होगा, मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज करेगा, इससे इंडक्टेंस मैक्सिमम होगा। सो केज रोटर, इस ऐसा करने का क्या करना पड़ेगा हमें, हमें एक जगह क्या करना पड़ेगा, रोटर को कैसा बनाना पड़ेगा, डीप, और एक जगह कैसा बनाना पड़ेगा, नैरो। एक लेयर को हम क्या बनाएंगे, डीप, और एक को नैरो। तो इससे क्या होगा, ये चीज़ हमें ऑब्टेन हो जाएगी। तो ये पॉइंट इस पूरे में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ऐसा हमें कैसे मिलेगा, ठीक है। और ड्यू टू द, अब ये पॉइंट मिलता है अपन को लास्ट पॉइंट, जो रिजल्ट है कि इससे ऐसा करने से हमें अनइक्वल करेंट मिलेगा, अनइक्वल करेंट से रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, और रेजिस्टेंस इंक्रीज होने से स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज होगी। तो ये एक मेथड है डीप बार रोटर का, ठीक है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं दूसरी, इसका हमारी वेवफॉर्म पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो आप देख सकते हो कि अगर हम बनाएं टॉर्क और स्पीड के बीच में कोई कर्व बनाएंगे तो आप देख सकते हो लो रोटर है ना, और ये जो है हाई रेजिस्टेंस वाला, दोनों में कितना डिफरेंस है, ठीक है। हाई रेजिस्टेंस में स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा लग रहा है और ये लो रोटर कम हो रहा है। अच्छा, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हाई ऐसा क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ताकि हाई स्टार्टिंग टॉर्क लगे तो उससे वो स्टार्टिंग में वो अच्छे से चल सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, दूसरी मेथड पे देखते हैं। देखिए दूसरी मेथड क्या बोलती है, दूसरी मेथड है डबल केज रोटर। अब इसमें क्या कर सकते हैं भाई, हम इसमें आप क्या करोगे, दो अलग अलग वाइंडिंग यूज़ करिए रोटर पे, अलग अलग वाइंडिंग, एक इनर केज एक आउटर केज, ठीक है। इसमें भी वही होगा, ऊपर वाले केज में क्या होगा, इंडक्टेंस कम होगा, और नीचे वाले पे क्या होगा, इंडक्टेंस कम होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि तो यहाँ क्या है, यहाँ पे बेटा एल ज़्यादा है, यहाँ एल ज़्यादा है, यहाँ एल कम है, तो उससे क्या होगा, फिर से करेंट क्या होगा, अनइक्वल होगा। करेंट अनइक्वल से क्या होगा, रजिस्टेंस ज़्यादा होगा, रजिस्टेंस ज़्यादा से क्या होगा, स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा होगा। तो इसलिए हम इनर के, ये देख सकते हैं डायग्राम, आप देखिए इनर केज का कैसा बन रहा है वेवफॉर्म, टॉर्क और स्लिप, ये देखिए, ये देखिए, ये है इनर केज का बेटा ये, और ये है आउटर केज का।
जब दोनों मिक्स होंगे तो ओवरऑल क्या होगा, इंक्रीज होगा टॉर्क, ठीक है। तो ओवरऑल टॉर्क क्या होगा, इंक्रीज होगा, और हम यही चाह रहे थे। तो ये कंसेप्ट है। तो आज हमें एक चीज़ समझ में आया, आज का जो टॉपिक था, टॉपिक का नाम था डीप बार रोटर्स और डबल केज रोटर। तो हमने इसमें देखा कि हमें टॉर्क बढ़ाना है, तो अगर हमें स्लिप रिंग इंडक्शन रोटर में अगर बढ़ाना है तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हैं, मगर ये बहुत इजी टॉपिक है। बट केज रोटर में बढ़ाना है तो दो मेथड हैं, कौन कौन सी, एक तो आप डीप रोटर कर लीजिए या फिर आप डबल केज कर लीजिए, दोनों में से कोई एक ऑप्शन है, इससे आप स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ा सकते हैं। तो ये दोनों ही टॉपिक में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसे आप तैयार कर लीजिए। तो नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कॉगिंग एंड क्रॉलिंग में क्या होता है। ओके, थैंक यू।